युवक को घर से बहाने से बुलाकर ले गए और कर दी हत्या। लेकिन पुलिस द्वारा नहीं लिखा गया हत्यारों के खिलाफ FIR। तो आइए देखते हैं जिला ब्यूरो बाराई से अवधेश कुमार गौड़ की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर का मामला सामने आया है। बता दें कि रामनगर के अंतर्गत ग्राम का फतेहउल्लापुर में दिनांक 22 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे गांव के विपक्षी संदीप पुत्र प्रेम सागर ग्राम का फतेहउल्लापुर निवासी पीड़ित ननकू दास के लड़की आलू को घर से बुलाकर रानी बाजार ले गए थे। उस समय पीड़ित ननकू दास घर पर मौजूद नहीं था। पीड़ित जब घर पर आया तो घर में लड़कों से आलोक के बारे में पूछा तो लड़कों ने बताया कि आलोक को संदीप घर से बुलाकर रानी बाजार ले गया था। पीड़ित के घर पर विपक्षी करीब 9 बजे रात को शराब के नशे में आकर बताया कि तुम्हारे लड़की आलोक की मौत हो चुकी है। पीड़ित ये सुनकर ग्राम प्रधान के साथ मौके पर पहुंचकर देखा कि ददौरा रोड के किनारे सुमेर यादव पालेसर के निकट आलोक की शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना रामनगर थाने पर दी गई। पुलिस द्वारा बिना पंचनामा कराए शव को PM के लिए जनपद बाराबंकी भेज दिया गया और पुलिस के द्वारा पीड़ित को सुबह दूसरे दिन थाने पर बुलाया गया। पीड़ित के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें विपक्षी संदीप पुत्र प्रेम सागर ग्राम पता उपयुक्त को हत्या में शामिल होना बताया गया है। पीड़ित ननकू दास द्वारा प्रेस मीडिया को बताया गया कि विपक्षी का नाम लेने पर पुलिस द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दी गई और रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित को न्याय न मिलने पर पीड़ित द्वारा न्याय की गुहार लगाते हुए एक शिकायती पत्र माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक पत्र श्रीमान पुलिस महानिदेशक और उत्तर प्रदेश से एक पत्र श्रीमान DIG महोदय मंडल गोंडा और एक पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी सहित श्रीमान अध्यक्ष महोदय मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया और पीड़ित द्वारा मांग की गई है कि मेरे लड़की के हत्यारे विपक्षी संदीप पुत्र प्रेम सागर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। CCTV 24 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ बाराई अवधेश कुमार गौड़ पत्रकार की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल पर छोड़िए आप बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम दिखाते रहेंगे आपको पल पल की खबरें।